दोस्तों, हर इंडियन नोट्स पे गांधी जी ही क्यों है? आखिर गांधी जी यहाँ पे पहुँचे कैसे? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, आज़ादी से पहले इंडिया की जितनी भी करेंसी थे उन सभी में ब्रिटिश किंग की फोटो हुआ करती थी, जिसे आज़ादी के बाद निकाल दिया गया था। और उसी दौरान RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना शुरू किया, ताकि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसी को रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे तंजोर टेम्पल, जिसको 1000 रुपये की नोट्स पे ढाला गया था, जो डिफाइन करता था इंडिया के आर्ट को। 5000 के नोट्स पे गेटवे ऑफ इंडिया को ढाला गया था, जो डिफाइन करता था इंडिया के आर्किटेक्चर को। और 10000 रुपये की नोटों पे अशोक स्तंभ थी। तो गांधी जी यहाँ पे आए कैसे दोस्तों? असल बात यह है कि 1969 में RBI ने एक स्पेशल 100 रुपये की नोट निकाली थी, जिसमें गांधी जी की 100th जन्म एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए उनकी फोटो डाल दिया गया था। और उसी को 1987 में भी 500 रुपये की नोट जब इंट्रोड्यूस हुई, उस वक्त वहाँ पे भी गांधी जी की फोटो डाल दिया गया। और फाइनली 1996 में RBI ने जितने भी नोट्स थे उन सभी में गांधी जी की फोटो डालना शुरू किया। मतलब ये साफ है कि दोस्तों, ऐसा कोई हार्ड एंड सोल रूल नहीं है या लॉ नहीं है कि इंडिया की करेंसी पे गांधी जी की फोटो ही होनी चाहिए। ये बस एक डिजाइन डिसीजन है जो RBI ने 1996 में लिया गया था। तो इस बारे में आपका राय क्या है, हमें जानना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।